हेलो भाई दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल इशाक फिशरीज पे। ठीक हजारद्वारी पैलेस जो म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, उसके ठीक सामने है इमामबाड़ा। तो आपको दिखाते हैं अंदर, जो है जाना अभी अलाउ है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 9 दिनों के लिए खुला रहता है। मुहर्रम के महीने में ये जो इमामबाड़ा है वो खुला रहता है, बाकी टाइम बंद ही रहता है। हजारद्वारी पैलेस तो अंदर तो फोटोशूट करना अलाउ है नहीं, तो हम अब आसपास में कुछ जगह में जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का फुल नज़ारा। तो चलिए आप इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। किला निजामत के कैंपस के बीचों बीच एक 18 फुट कैनोन को रखा गया है। 1687 में बंगाली जनार्दन कर्मकार ने इस कैनोन को बनाया था। 8 टन के विशाल वजनी इस कैनोन को दागने के लिए करीब 30 से 40 किलो का बारूद लगता था। इस कैनोन को जोहान कोस कमान भी कहा जाता है। इस कैनोन का एक और नाम है जो है बच्चा वाली कमान। ऐसे ही बहुत सारे हथियार और कैनोन के लिए सिराजदौला बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन विश्वासघात के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अभी जो आप टावर देख रहे हैं, ये है किला निजामत का एक तरीके से टाउन क्लॉक कह सकते हैं। इस क्लॉक टावर को मुर्शिदाबाद का बिग ब्रेन कहा जाता है। इसे घड़ी घर या घड़ी महल भी कहा जाता है। इस घड़ी महल को सागर मिस्त्री ने डिजाइन किया था। ऐतिहासिक घड़ी महल से 4 में से 3 घड़ी चोरी हो चुका है। अभी आपको एक ही घड़ी देखने को मिलेगा। माना जाता है पानी और सड़क में चलने वाले यात्रियों का सुविधा के लिए इस घड़ी घर को बनाया गया था। भागीरथी नदी के तट पे स्थित निजामत इमामबाड़ा बंगाल का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। इस इमामबाड़ा की तामीर नवाब सिराजदौला ने 1740 को की थी, लेकिन 1846 में लगी आग में ये इमामबाड़ा पूरा जल के राख हो गया था। इस घटना के एक साल बाद मंसूर अली खान ने इस जगह को पुनर्निर्माण किया था। इस इमामबाड़ा को करीब 6 लाख रुपया खर्चा करके बनाया गया था। पूरे पृथ्वी में जितना भी इमामबाड़ा है उनमें एक बड़ा इमामबाड़ा इसे भी माना जाता है। अंदर का जगह बहुत खूबसूरत है दोस्तों। हम करीब 2008 में यहाँ पे आए थे मुहर्रम के वक्त में। बहुत धुंधला सा एक तस्वीर मेरे दिमाग में अभी भी है। मुहर्रम के महीने में बहुत भीड़ लगता है यहाँ पे। रात भर ये इमामबाड़ा खुला रहता है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। बहुत अच्छा लाठी खेला का प्रदर्शन लोकल लोगों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बच्चे जवान बूढ़े तक हिस्सा लेते हैं। अंगारों में चलने का प्रथा और हाय हुसैन हाय हसन का आवाज आपको यहां से सुनने को मिलेगा। एकदम सुबह को फजर की नमाज के बाद यहां पे कुरान करीम की तिलावत की जाती है और दुआ जिक्र के साथ उस दिन को मनाया जाता है। कुछ वीडियो YouTube में मौजूद है, उन सब वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जरूर से जाके वो सारे वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मुहर्रम के 9 दिन जब ये इमामबाड़ा खुला रहता है तब यहाँ का माहौल कैसा रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बोलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो।
यहाँ पे जो भी हो रहा है सब कुछ बहरमपुर पुलिस के देखरेख में और लोकल लोगों की सहायता से हो रहा है। अगर आपने हजार दुआरी घूमने का प्लान बनाया है तो मोहर्रम के वक्त आइएगा ताकि आपको एक कंप्लीट टूर मिल जाए। नवाब सिराजदुल्ला ने मक्का से लाई हुई मिट्टी और यहाँ के मिट्टियों को मिला के इस मस्जिद को बनाया था। इसको आप एक चिल्ला खाना कह सकते हैं। दुनिया से कट के इस मस्जिद के अंदर इबादत किया जाता था। माना जाता है नवाब गरीबों को हज का बस अनुभव कराने के लिए इस मस्जिद की तामीर की थी। हजार दुआरी और आसपास के कुछ इलाकों में घूम के हम यहाँ का कुछ हिस्ट्री कलेक्ट करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और एक वीडियो के जरिए से आप तक पहुँचाने का भी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। फरक्का मैरिज का विकिपीडिया में डिटेल देख रहा था आप लोगों को बताने के लिए। ये ना एक्चुअली मालदा मुर्शिदाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के 2304 मीटर के आसपास कुछ है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं भाई। वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कर देना, वीडियो रेगुलर आता रहेगा वीडियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना। मोटो ब्लॉग आने वाले महीने में ना बहुत तगड़े वाला आने वाला है वीडियो में। खाली वीडियो को लाइक करो और फटाफट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा होगा वीडियो लेकिन दूसरा वीडियो जो है हजार दूरी का वो शुरू करते हैं। चलो टाटा सी यू ऑल।